So, hey guys, good morning to all and welcome back to my channel. मम्मी, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो आप? अरे पता है तुझे, शादी वादी में जाना है. शादी में जाना है. हल्दी है, हल्दी का फंक्शन. हल्दी का फंक्शन है. सिस्टम है. सिस्टम है. तो मम्मी लोग तो जा रहे हैं अभी शादी में एंड हम जा रहे हैं जिम. हमें तो जिम जाना है. तुम लोग खाओ शादी का बेकार वैसा खाना और मोटे हो जाओ, अपनी तबीयत ख़राब करो. हम तो हेल्दी खाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे. सो गाइस, ए गाइस, मेरा नाम है श्रेणी की और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे. मैं ऐसे बोलता नहीं, वैसे कैसे बोलता हूँ, मैं भूल गया है. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है श्रेणी की और आप देख रहे हैं श्रेणी की ब्लॉग्स. हाँ भी बोल दो मम्मी जरा ऐसे. एक मिनट दो भैया. तो भाई तैयार होते फटाफट, 12:30 बज चुका है. 12:45 तक जिम पहुँचना है. तो तैयार होते हैं एंड आज है चेस्ट का वर्कआउट. तो चेस्ट का वर्कआउट दिखाएंगे सीधे जिम में एंड मिलते हैं सीधे जिम में आपको. बेस्ट एक्सरसाइज सबसे बढ़िया जो भी होगा वो दिखाएंगे. ओके लेट्स गो. क्या बताऊँ साहब, अच्छा खासा मेड इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया प्रमोट करो. क्या है ये, तुम इंपोर्ट से चेक करो गाइस. आज बाहर से एक्सपायर वाले माल आते हैं यहाँ इंडिया में नई पैकिंग में, तो नया इंपोर्ट ले लिया. मेरे से लेने लोगे कभी? दोगे नहीं क्या मेरे से? भाई तो मैंने कहा आपने, भाई जी ने मतलब नए दौर में कदम रखा है. फिटनेस फ्रीक से कोच बने हैं. तो फिर अब कोच बने तो अब हमने बिजनेस प्लान इनके लिए काफी ना. हमारे रंगत फिटनेस में बहुत सारे बिजनेस प्लान है कोचिस के लिए खासकर. अलग अलग है सिस्टम. मोटा कमाने में आप 13 दिन में कौन था डॉक्टर बिंद्रा देवजी, लग जा फिर काम पे. तो बातचीत कर लिया फिर ये इसे कंधे भी चढ़ा दिए तुमने तो 2 दिन में. ये तभी देख रहा है रैप निकल रहे भाई. सो गाइस, हम जिम पहुंच गए एंड अब करते हैं सिस्टम है आज ये चेस्ट का वर्कआउट. सो चलते फटाफट से वर्कआउट दिखाते. सबसे पहले फ्लैट मारेंगे शायद, पहले वार्म अप कर लेते. शीला जीत लेता हूँ एंड क्रिएटिन ये सब लेके एंड देन वी विल स्टार्ट द वर्कआउट. सो वही पहले करेंगे इंक्लाइन डंबल. बेंच ना ज़्यादा ऊपर होगी ना ज़्यादा नीचे, क्योंकि स्लाइड इतने एंगल पे. देवशीष ने तो हमें शूट ही नहीं करनी थी आज. हराम खोर ने अपनी रील बनाता रहा आज. इसने डॉक्यूमेंट्री बना दी पूरी जिम की हर एक कोने से. हैं अब तू देख मेरी रील है. आइडिया तो बता साले क्या है. अरे वो थोड़ा पर्सनल गाने पे डालता हूं भाई, जो मेरी दिल की तारे छू जाता है. ऐसा कुछ है क्या? दिल की तारे तो औरों की दिल की तारे भी छू जाएगी उससे. हैं तो गाइस वर्कआउट तो ऑलमोस्ट. कौन सा? हाँ कौन सा? अच्छा तो उसमें, अच्छा उसमें है कुछ? उस गाने में कुछ है?
तो तू लिरिक्स डालेगा उसका? नहीं, लिरिक्स वीडियो बनाएगा ये अपनी। सही है बढ़िया है बढ़िया भाई। तेरे जूते बढ़िया लग रहे, कहाँ से लिए तूने? कहाँ से लिए? अच्छा, वहाँ से लिए तूने भाई? तूने नंबर नहीं भेजा यार अपना, वीडियो नहीं चाहिए क्या? भेजेगा? ठीक है ठीक है, चलो सही है। हो गया बे, ऐप्स करें अब? सो गाइस अब करेंगे ऐप्स। ऐप्स माना मत भूलो है, जो चाहे गिनिंग है, चाहे कटिंग है, चाहे कुछ भी है। हाँ, साइज तो मैं बढ़ाऊंगा। गो ऐप्स करते, फिर उसके बाद चिकन लेने चलेंगे, बस फिर घर जाएंगे, फिर डाइट लेंगे। और कुछ है क्या विशेष? आज चले विंटर लाइन देखने हैं? कल तो देखी नहीं विंटर लाइन। और यहाँ पे भैया की एंट्री होते हुए कितने बजे आए? तो जो आपने बोला था 11 बजे, 11 बजे से हो तो मतलब 11-12 सुबह आपने बोला था सुबह आने का। अरे मेरी यार वो हो गई थी 8 से 2। अच्छा, शिफ्ट की नहीं रात की? अभी नहीं है ना, तो भी हाथ लगाया मैं। हाँ, इतना ठंडा हो रहा है क्या बाहर? हमारा तो हो गया, अब आपका क्या है? कैसे बढ़िया थन थन मौत की क्या खुशबू आ रही है की बहुत ही जबरदस्त। भाई चलते हैं अब। कौन सा चिकन की दुकान पे? लेट्स गो गाइस, चिकन लेते हैं एंड फिर चिकन बनाएंगे घर जाके। एंड मेरे को फ्राइड राइस मसाला भी लेना है, बिकॉज अपनी जो बाई है वो तो आई नहीं, सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। ठीक है ना, चलो भाई लेट्स गो। आज काफ़ी मज़ा आ गया भाई जिम का वर्कआउट करके। आज मैं वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि देवाशीष को रील वील के लिए शूट करना था, तो अलग अलग एंगल शूट कर रहा था, तो बार बारी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर जो है अब वो भाई इसके क्या हाल हो रखा है, क्या कहते हैं। हाँ, तो वो बार बार ही शूट कर रहा था, तो उस वजह से फिर मतलब मैं भी फिर वर्कआउट में बिजी हो गया। ये भी था, वैसे भी मैं बिज़ी रहता हूँ वर्कआउट में, मतलब ज़्यादा इधर उधर ध्यान देता तो तब तक मतलब मज़ा नहीं आता, फिर ऐसे इंटेंसिटी नहीं रहती। इसके लिए कोई अलग से बंदा होता तो मज़ा आ जाती शूट करने के लिए। अभी चिकन लेने चलते हैं, कल ट्यूसडे भी है तो सोच रहा हूँ कल के लिए भी ले लूँ। सिस्टम है चिकन प्रेस दे दो भाई जी, आधा किलो। सो भाई चिकन भी ले लिया, अब चलते हैं घर को फटाफट से। एंड अरे यार अभी वो भी लेना है क्या बोले तो, फ्राइड राइस मसाला। सो यार उसको
मुझे इस वाली रोड से जाने में मज़ा आता है बिकॉज अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में ख़राब है यहाँ पे, बट आगे जाके सही है। दूध यूनिवर्सिटी के साइड बढ़िया एकदम रोड, मक्खन स्मूथ चलती है एक ही स्पीड में बढ़िया करके। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है फिलहाल, एज यू कैन सी, ये देखो भाई कूद खा रही है भाई, ये देखो। यहाँ पे दिक्कत ही है भाई, यहीं पे कई बारी ना वैसे ही गाड़ी वाई बैंगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, कर देती है एकदम से, दिक्कत उसमें होती है थोड़ी। तो आती नहीं क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, तो भाई एक जिम ये खुल रहा है भाई यहाँ पे, एंड आई एम थिंकिंग कि ये जिम कैसा होगा, वेंस जिम। नो रिस्पॉन्स भाई, अकड़ वाला है ये, डंक्स नाइकी डंक्स पैंडास इन डंक्स, तो बहुत पेन हो रहा है यार। भाई नमस्कार, बस बढ़िया। मैं कह रहा फ्राइड राइस मसाला है आपके पास, होगा पीछे, एक्सक्यूज मी थोड़ा। गुड़ की पट्टी भी ले रही भाई, एक चलते हैं घर, खड़ी हो जाती है हमेशा, कुछ नहीं लाया मैं। तेरे को उबले हुए अंडे देता तो हूँ मैं, उबले हुए अंडे नहीं देता तुझे मैं, पूरी लेट गई। अच्छा मज़ा आ गया। देता हूँ शाम को, अभी अंडे उबालूंगा ना उसके बाद दूंगा शाम को, ठीक है। रूम पे मिलते हैं भाई। अब इंटेंस वर्कआउट तो कर लिया है ना, मसल टिश्यू तो भाई टेयर कर ली, और अब क्या है? सो सिस्टम अब है ऐसा है कि अब हम करेंगे कुकिंग, अपने लिए बनाएंगे डाइट जिम से आने के बाद, एंड जिम से पहले भी मैं अंडे खाता हूँ, बट अब मैं चिकन भी ऐड करूँगा इसमें। सो अंडे मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, ठीक है ना, एंड चिकन बॉईल करना है, राइस मैं एक साथ ही बना लेता हूँ, ये सिस्टम चलता है, वो राइस ही खाता रहता हूँ, राइस तीन या चार पोर्शन में राइस ख़त्म हो जाता है, एंड बाकी अंडे एंड वो चिकन। सो चिकन उबालते हैं बर्तन पे, जो कि चिकन करते हैं, मुझे लिटरली बहुत भूख लग रही है एंड थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सो मैं पूरा 500 ग्राम्स जो है चिकन एक ही साथ बॉईल कर देता हूँ, बार बार ही बोल रहा हूँ। कैसा नसीब है मेरा, मिलके बिना मुझे मिला, मेरी इन आँखों में तो देखो, क्या ही देखेगी वो मेरी आँखों में, शर्म नहीं आई उसे। सो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में बढ़ रहे, नजर ना लगे, बट या
जो ग्राइंड है वो बढ़ रही है आगे, ग्राइंड का थोड़ा 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 फल मिल रहा है, एंड आई होप मिलता रहे ऐसे ही लगातार आगे भी। आई जस्ट वांट टू गेट फेमस वन डे, एवरीबॉडी शुड नो हु इज श्रेय नेगी एंड हाउ ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे। ऐसा करके एक दिन मेहनत करो लोन लो अपने में, क्योंकि देखो भाई पिस जाता है भाई बंदा सारी चक्करों के बीच में, सब पिस जाता है, बट ये है कि तभी तो लड़कों का स्ट्रगल है भाई अलग, ऐसे लड़कियों का कुछ भी नहीं है भाई उस स्ट्रगल के सामने, उस लड़कियों का कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा बोलते कि नहीं है सब, तो लड़की का ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। यू डोंट नो अभी आज जो लड़कियाँ स्मार्ट होंगी उन्हें पता हुआ मैं किस तरीके से बोल रहे हैं, एंड जो डम होंगी वो वैसे ही बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं तू, वट एवर। सो बल्क इज गोइंग गुड, अभी जनवरी 15th है या 15th या 16th जनवरी है, द बल्क इज गोइंग गुड। अभी मेरा वेट 86 तक होगा, तो मैं इसको सोच रहा हूँ 90 या 95 तक कर दूँ, एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली कट करूँ थोड़ा 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 साइज़ बढ़ाऊँ अपना इस साल साइज़ बढ़ाने में, एंड मे बी नेक्स्ट साल थोड़ा सा स्प्रेड होने में कि हाँ, एंड तब तक कंटेंट निकालता रहूँगा जैसा भी होगा जो भी होगा देखी जाएगी। आई होप लीन बल्क भी रहे थोड़ा सा, ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट ना हो बॉडी में, उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल कैलकुलेट करके खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोटीन कैलकुलेटेड है, बाकी जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इतनी काप से या इतनी और कैलोरी से मेरा दिन सही चलता है, मेरी बॉडी सही रिस्पॉन्ड करती है, हॉर्मोन्स वगैरह सब बराबर सही रहते हैं, तो मैं उतना खाता हूँ भाई, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में मैं अभी घुस नहीं रहा डीप, जब थोड़ा सा कट करूँगा तब थोड़ा ज़्यादा डीप घुस जाऊँगा, बट अभी तो इतना ही सही है। सो आप लोग भी जो अलग अलग तरीके से होते हैं भाई, लाइक मैं जैसे बल्क कर रहा हूँ तो कई लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं कि भाई मेरे को ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म बल्क विथ लीन मसल मास में करूँगा, मतलब बॉडी रिकम्पोजिशन टाइप जिसमें फैट भी घटता रहेगा एंड बॉडी भी बनती रहेगी। अरे एक होता है कि जिसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या पता क्या वो या तो प्रॉपर बल्क नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो फैट भी एक्यूमुलेट होगा उसके साथ साथ, ये सीन है। तो यहाँ अलग अलग तरीके हैं एक्सपीरियंसेस, अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 1 साल तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मतलब नो कि 1 साल तो मुझे ऐसे ही लगे कि मैं एक्सरसाइज सीखते काइंड ऑफ, बट ये है कि अब थोड़ा ऐसा हो गया कि चलो 1 साल ऐसा रहा है कि प्रोटीन इनटेक कैसे करना है, कार्ब्स क्या होते हैं, फैट क्या होता है, थोड़ा 1 साल उस चीज़ की नॉलेज रही। अब दिस इज 2024 में और अच्छी नॉलेज फिजिक्स की अच्छी निकल के आएगी, देख लेना गारंटी है, मज़ा आ जाएगा। आई होप इस साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हर चीज़ में, आई होप। मिल के बिना मुझे मिला, अरे मैं वो वाला ब्लॉग भी आउट कर देता हूँ, चलो ठीक है बाय, मिलते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अड्डे की कहानी जानने के लिए जो है सब्सक्राइब करो चैनल को।